हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग एंड इसका छोटा सा मेकओवर। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज, सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ फ्रिज में से सामान। उससे भी पहले गाइज, जब भी आप फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं तो प्लीज़ उसके स्विच को ऑफ करें एंड प्लग को भी निकाल लें, ताकि कुछ ये बिजली का काम देखिए ऐसे ही होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो हमेशा प्लग और उसको बंद करके निकाल के तभी ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। तो इसमें से फ्रीज में से जो भी इसके पार्ट वगैरह थे वो सब मैं धीरे धीरे करके लेके जा रही हूँ। तो गाइस देखिए, बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा था क्योंकि सारी घर की डीप क्लीनिंग हो गई थी मेरी नवरात्रों में, बस मेरा फ्रीज रह रहा था। तो गाइज़, मैंने इसके सारे पार्ट निकाल दिए हैं और मैं एक सूखा सा कपड़ा लेके आ गई हूँ। थोड़ा सा भारी सा है क्योंकि ना जैसे लाइट वगैरह जाती है तो थोड़ा थोड़ा सा हमारा फ्रिज जो है पानी छोड़ता है। तो बस सारा इसको उसमें से मैंने पानी निकाल के रख दिया है। और ये साइड वाले पार्ट मैं करूँगी इनको बाद में साफ़, यानी आज ही करूँगी लेकिन थोड़ा सा बाद में। तो पहले जो बड़े बड़े पार्ट है वो इसके मैं साफ़ कर देती हूँ। तो पहले मैंने उसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह से वॉश कर, मतलब साफ़ कर दिया एंड थोड़ा सा कॉलिन भी उसमें हल्का हल्का सा छिड़का था, बहुत ज़्यादा वो शायद इसमें से वीडियो स्किप हो गई है या और नहीं था फ़ोन। तो उसके बाद मैं लेके आई हूँ एक सूती कपड़ा खूब बड़ा सा। तो उससे मैं चारों तरफ से फ्रिज में ना ये कपड़ा घुमा लूँगी, तो ताकि जो भी थोड़ा बहुत भी रह गया होगा, जो नंदिखा होगा, वो सारा क्लीन हो जाए। तो ये मैं देख रही थी कहीं से रहा तो नहीं है, तो सारा जो फ्रिज है वो एकदम सूख के अच्छी तरह से हो गया है। तो उसके बाद मैं जो उसके जो सारे पार्ट थे यहाँ मैं ना हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि कांच है अगर टूट गया तो देखो पार्ट दोबारा मिल जाएंगे वो चीज़ है, लेकिन चीज़ का नुकसान की कोई ना है। धीरे धीरे काम करना, मतलब अच्छे से काम करना, अच्छे से हर चीज़ को करना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो सारे पार्ट मेरे धुल गए थे, अब मैं ना सूखे कपड़े से इनको सबको पोंछ के रख लूँगी, क्योंकि मुझे फ्रिज का मेकओवर करना है तो मैं गीले को इनको रख के नहीं जा सकती और इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उन्हें सूखने के लिए रखूँ। तो गाइस, यहाँ पे लगा रही थी मैं इनके पार्ट, सब सूख वगैरह गए थे। तो किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी पार्ट लगाने जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमने कौन सा पार्ट ऊपर निकाला है कौन सा नीचे। तो यही इसी तरह से ना मैं भी कंफ्यूजन में हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वापस से वीडियो देखा, वीडियो में देख के जब मुझे समझ में आया कि फिर मैंने उनको अच्छी तरह से सेट किया। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, एकदम भूल पड़ में जाती है दिमाग में से। तो गाइस, ये मैंने मंगाया था, इसी को मैं खोल के देख रही हूँ और मैंने ना उम्मीद नहीं की थी कि इतना बढ़िया आएगा। तो ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो 150 रुपये मैंने आपको बता ही दिया है, 150 रुपये में ये मुझे पड़ा और इसका 40 रुपये चार्ज उन्होंने लाने के लिए थे। तो आप उसे कैसे भी ले सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी या पेटीएम द्वारा, कैसे भी वो आपके ऊपर है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और बहुत ही यूजफुल चीज़ है, आप देखते जाना बहुत अच्छे से ना इस फ्रिज मेरा एकदम चमक गया और अच्छा भी लग रहा था देखने में। तो गाइस, यहाँ पे करने जा रही हूँ मैं अपने फ्रिज का मेकओवर। तो ये जो है मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से सिर्फ 150 रुपये में, और ये प्लास्टिक सीट होती है। इससे क्या होता है गाइस, जिन लोगों के पास बिल्कुल टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जॉब वाले जो होते हैं जो टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाते अपने घर को क्लीन करने के लिए, तो वो क्या करें, इनके फ्रिज को ना इसके ऊपर, मतलब इस सीट को फ्रिज के जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर लगा दो, और अगर ये कभी भी थोड़ा बहुत इस पर कुछ गिर भी जाए ना तो फ़ौरन कपड़ा से साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं आपको फ्रिज को पूरी तरह से क्लीन करने की। ठीक है, तो बस जितना टाइम आपको फ्रिज को साफ़ करने में लगेगा ना, उससे ही बहुत ज़्यादा ही कम टाइम आपको इस चीज़ को क्लीन करने में लगेगा। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत यूजफुल लगा। तो ऊपर भी देखिए, फ्रिज के ऊपर कवर के लिए भी फ्रिज जो है वो ऊपर से थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो उसके लिए भी ये हमें एक सीट दे रखी है। तो इसमें आप ना अपना काफ़ी सामान रख सकते हो, पेन पेंसिल वगैरह, यहाँ से भी देखिए पूरा क्लीन हो गया, चमक गया मेरा फ्रिज। और यहाँ से भी बस ये एक और सीट होती ना इधर, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी ये देखिए, इधर भी मैंने साफ़ कर दिया सारा कुछ एंड ये देखिए इधर ये लग गया है, ताकि अभी जो इसका हैंडल है वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। ऐसे ही आप खोलिए, ये बंद करिए।
अब मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।